हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर जो है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब सीक्वेंस में चलेंगे। तो फोर्थ चैप्टर था आप लोगों का एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को हम लोग लेजिस्लेचर के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि पहले अगर आप लोगों को लेजिस्लेचर के बारे में पता होगा तो एग्जीक्यूटिव आप लोग इजीली समझ आओगे। तो पहले हम लोग चैप्टर 5 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का चैप्टर 5 जो है उसका नाम है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर को अगर हम लोग थोड़ा आप लोगों के जनरल सेंस के लिए बता दूँ, लेजिस्लेचर को इंडिया में बहुत ही कम यूज़ में लाया जाता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग यहाँ पर इसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को ही कहा जाता है। जैसे यूएस है, यूएस में लेजिस्लेचर भी नहीं कहा जाता है, पार्लियामेंट भी नहीं कहा जाता, उसे कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो रशिया में ड्यूमा कहा जाता है। उसी तरह से अलग अलग नेशंस जो हैं वो अलग अलग तरह से इसको अपने ही नाम से बुलाते हैं उसे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, क्यों नीड है हमें पार्लियामेंट की, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हम लोगों को पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि लेजिस्लेचर सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ये और भी बहुत सारे काम करती है। लॉ मेकिंग उसका सिर्फ एक फंक्शन है, जो कि लेजिस्लेचर का मेन वर्क होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि लेजिस्लेचर के बारे में कि ये एक्चुअली है क्या, तो जितनी भी पॉलिटिकल हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उन सभी का सेंटर जो है हमारा पार्लियामेंट है। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितनी भी डेलिब्रेशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, हर एक इशू को प्रॉपरली डिस्कस करा जाता है, वो सब हमारे पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि इसमें कौन कौन से एक्शंस टेकन किए जाते हैं, या फिर कौन कौन से एक्शंस जो हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे वॉकआउट्स हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, डिमोनस्ट्रेशंस होती हैं, यूनानिमिटी होती है, कंसर्न एंड कॉपरेशन, मतलब कि जितने भी इश्यूज़ हमारे नेशनल लेवल पे या फिर जितने भी हमारी कंट्री में जो भी इश्यूज़ चल रहे होंगे उन सभी के सल्यूशन जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट में ही डिस्कस करी जाती है। तो उसके बाद ये एक जेन्युइन डेमोक्रेसी का एक हम लोग बोल सकते हैं कि बेस्ट वे है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक इफ़ेक्टिवली डिसीजन मेक कर सकते हैं और एक एफिशिएंट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर जो है वो लोगों की हेल्प करता है, मतलब पार्लियामेंट लोगों की हेल्प करता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी डिमांड बताएं और वो डिमांड जो है उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो फुलफ़िल करें, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसको किस तरह से हम लोग मतलब ला सकते हैं, किसको मतलब रिप्रेजेंटेशन किस तरह से इसको डन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। हर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं हर एक पोस्ट के लिए। उसी तरह से पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस चैप्टर 3 में आप लोग रीड करके आए हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ी होंगी वहाँ पर, है ना, रिप्रेजेंटेशंस। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि एक हमारी इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं। तो ये 2 हाउसेस का होना ज़रूरी है क्या? एक सिंगल हाउस होगा तो वहाँ पर डेलिब्रेशंस या वहाँ पर कंपेन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी क्या? तो सबसे पहले चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो पार्लियामेंट है इसको रेफ़र किया जाता है नेशनल लेजिस्लेचर के साथ, जो कि इंडिया में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है लेजिस्लेचर को। तो लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट्स के पास भी होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है या स्टेट पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट जो कि इंडिया में है उसमें 2 हाउसेस हैं, मतलब 2 चैम्बर्स हैं, 2 बाय कैमरल इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है जहाँ 2 हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के उसको बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है, और जो 2 हाउसेस हैं इंडियन पार्लियामेंट के उसके क्या क्या नाम रखे गए हैं यहाँ पर, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिनको क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, और हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, लोगों की सभा, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, लोग ही होते हैं। इसे मैक्सिमम पॉपुलेशन लोकसभा में होती है, मिनिमम पॉपुलेशन राज्यसभा में होती है, क्लियर है। ये जो हिंदी नेम थे ये 1954 में जो थे वो हिंदी नेम इनको दिए गए थे, पहले इनको काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल ही कहा जाता था,
ठीक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया हुआ है, स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया है कि वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी रख सकते हैं और बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी रख सकते हैं। अब ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, जहाँ पर सिंगल हाउस होता है, एक ही हाउस होता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा भी हो सकता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर दो हाउसेस होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें 2015 के बाद 7 स्टेट्स थी बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो मतलब 2020 में अगर हम लोग बात करें तो वो JNK को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी स्टेट्स जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, आंध्र प्रदेश थी, ठीक है, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कुछ नेशंस थी जो कुछ स्टेट्स थी जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इन्जॉय कर रहे थे। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर के क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, जिन कंट्रीज़ का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, वो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, मतलब वेरिएशन होती है, वहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की उनकी एथनीसिटी या फिर हम लोग बोल सकते हैं कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर टू हाउसेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तभी मिल सकती है सभी सेक्शंस से जब वहाँ पर दो हाउसेस होंगे। तो लोग जो हैं वो अपने ज्योग्राफिकल रीजन्स या फिर अदर पार्ट्स से जो बिलोंग करेंगे वो अपना एक उसी एरिया का या जो उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके उसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, ये एक एडवर्टेज है इसका। तो नेक्स्ट एडवर्टेज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।